Hello, hi, good afternoon. This is Anish H. Englishwar. जैसे कि आपको बताए बीजापुर और कर्नाटका में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस है आज, मतलब MLA के वोट करके आया हूँ अभी. प्राउड लग रहा है वोटिंग करने के बाद, एक अलग ही फीलिंग होती है वोट करने की. अपने कैंडिडेट को चुनना ये अलग बात है. पहले जस्ट वी वांट आवर बीजापुर टू बी डेवलप्ड एंड वी वांट कर्नाटका टू बी डेवलप्ड, वी वांट इंडिया टू बी डेवलप्ड. इसमें ये मत करो, हालांकि बहुत से यहाँ पे बातें निकल रही है कास्ट के बारे में, तो कास्ट के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ. वेदर द कैंडिडेट इज मुस्लिम और हिंदू और क्रिश्चियन वॉट एवर इट मे बी, पर कैसे है आप लोग कास्ट के ऊपर वोट मत करो, डेवलपमेंट के ऊपर वोट करो. जो भी इंसान जो भी हो, या वो हिंदू का कैंडिडेट हो या मुस्लिम का कैंडिडेट हो, सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि डेवलपमेंट से ही अपने मतलब अपना बीजापुर डेवलप होएगा तो नाम बढ़ेगा. हिस्टोरिकल सिटी है बीजापुर, जानते हो, सिर्फ नाम के लिए इमारतें रह गई है. ये हिस्टोरिकल सिटी इज जस्ट फॉर नेम. यहाँ पे एक डेवलपमेंट्स नहीं है, रोड सही नहीं है. यहाँ के कॉलोनीज के अंदर ये ऐसे मड वगैरह आप देख सकते हैं, मैं ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ. एक्चुअली ये बॉर्डर है अपने बीजापुर का, मतलब जैसे बॉर्डर बनाते थे ना पहले के ज़माने में राजा लोग, उन लोग के बॉर्डर है ये. नियर कस्तूरी कॉलोनी आई एम नाउ. मेरा वोटिंग था यहाँ पे इंदिरा नगर में 15 नंबर स्कूल में. अभी जस्ट वोट किया मैंने, वो सीक्रेट रखना चाहता हूँ. वोट किसको किया वो अभी नहीं बताऊँगा. वोटिंग बाद में जीत के आएंगे तो पता चल जाएगा, जिसको ज़्यादा वोट मिले, जो मेजॉरिटी में आए जीत जाएगा. मैं जस्ट इतना चाहता हूँ, जो भी रिस्पेक्टेड MLA बने आगे, उनको जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कास्ट पे ज़्यादा मत, मतलब कास्ट के आप समझना चाहते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हो. कास्ट के ऊपर ज़्यादा मत ध्यान दो, प्लीज़ डेवलप करने के लिए ध्यान दो. बीजापुर, वी वॉन्ट टू सी बीजापुर डेवलप्ड. ये कास्टिज्म वगैरह नहीं चाहते. बहुत सी बातें चली इस MLA इलेक्शन में, मैंने बहुत से देखा. कांग्रेस, BJP, JDS जैसे चल रहे थे, कास्टिज्म में ही ये लोग की बातें चल रही थी. अगर हिंदू होऊंगा तो मैं मुस्लिम, हिंदू होऊंगा तो मैं BJP को दूंगा, मुस्लिम रहूंगा तो मैं कांग्रेस को दूंगा. इसको हटा दो यार, ये मत करो प्लीज़. इससे ही हम लोग में यूनिटी की बातें चलती है, पर यूनिटी इसमें कहीं नज़र नहीं आ रही है. यूनिटी नज़र आएगी, मिल के रहोगे, अच्छे कैंडिडेट को जिताओगे और वो इंसान डेवलप करेगा. डेवलप मतलब अपने बीजापुर को डेवलप करेगा. बीजापुर डेवलप होएगा, कर्नाटका डेवलप, इंडिया डेवलप. मैं एक ही बीजापुर कर्नाटका से ही बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जितने भी कंट्रीज में इलेक्शंस होंगे तो ये बात ध्यान में रखना. वोटिंग जस्ट राइट नाउ, अभी वोटिंग चालू है, 12 बजे, 12:30 बज रहे हैं शायद, अभी 12:30 बज चुके हैं, सॉरी. वोटिंग चल रही है अभी, क्राउड है वहाँ पे, देख सकता हूँ मैं. अच्छा लगता है, मतलब प्राउड फीलिंग दैट आई बिकेम 18 और अबो 18 एंड वोटेड. ये मार्क बहुत मायने रखता है यार. लास्ट टाइम मैंने जब वोट किया था 20 डेज इट वॉज देयर ऑन माई हैंड, फिंगर. 20 डेज तक देख देख के प्राउड फील करता था कि मैं यार वोट किया मैंने. चलो कोई बात नहीं, जस्ट इतना बताना चाहता था. वोटिंग चली है, अभी चलने, अभी 4-5 डेज के बाद काउंटिंग होगा. मे बी काउंटिंग के बाद पता चल जाएगा रिजल्ट क्या है. जो भी हो, जो भी सिलेक्शन, जिसका भी जो भी मेजॉरिटी में जीत के आए, या जो भी चुन के आए, या जो भी वन साइड जीते, या जो भी इक्वल में जीते, या जो भी माइनर या माइक्रो थिंग्स से जीते, ये मायने नहीं रखता है. जीत मायने रखती है, जो भी जीते. जस्ट इतना कहना चाहता हूँ, सड़कें बनाओ, मेन रोड आप बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. कॉलोनी और छोटे छोटे चॉल्स जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है. एक्चुअली अपने बीजापुर में देखना चाहता हूँ, अपने इस साइड में जहाँ पे छोटे छोटे चॉल वगैरह है ना, उसमें एक ही पानी का एक बहुत से बड़ा, बहुत मेजर प्रॉब्लम पानी और रोड का है. गरीब लोगों कैसे रहता है, एक बाइक लेते हैं, वो खुशी से लिए बाइक लेते हैं, रोड से बाइक क्यों लग जाती थोड़ी दिन में ही, क्योंकि रोड और गड्ढे वैसे हैं, तो वो तो खास है. मतलब बाइक वगैरह लेंगे तो उनके खर्चे की वजह से इंसान चलते पैदल घूमने की नौबत आ गई अभी रोड्स की वजह से. मेन रोड्स बनाओ,
डेवलप हो, एक एक नई मतलब ऐसे कुछ ना कुछ तो ऐसे जो बीपीएल कार्ड वाले हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लिमिटेड बीपीएल कार्ड वाले हैं ना, तो उनको थोड़ा मतलब कुछ भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो जिसकी वजह से वो खुश से जी पाए, जिनको 3 वक्त का खाना मिल पाए, चाहे दाल चल क्यों ना हो, 3 वक्त खाना खा के तो इंसान खुश रह सकता है यार, उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सेकेंड थिंग मैं बताना चाहता हूँ, अपने उस साइड कॉलोनी साइड में रोड्स नहीं है, मड के वजह से पूरी मतलब पूरी धूल अंदर आ जाती है, डस्ट की वजह से बीमारियां फैलती है, बीमारियों की वजह से चलो हॉस्पिटल का रास्ता नापना पड़ता है हमको, हॉस्पिटल अवॉइड करो, लाइफ में 3 चीज़ें अवॉइड करना सीख लो, हॉस्पिटल, कोर्ट या पुलिस स्टेशन, ये 3 चीज़ें लाइफ में अवॉइड रहेंगे तो इंसान खुश रहे। ये चाहता हूँ मैं, जस्ट रिस्पेक्टेड MLA जो भी बने अपना कैंडिडेट्स है, 10 कैंडिडेट्स का नाम देखा मैंने वहाँ पे, वोट किया, वोट किया जिसको करना है उसको वोट किया। नेक्स्ट अभी देखेंगे, इन फ्यूचर काउंटिंग है, मतलब 4-5 डेज के बाद काउंटिंग है, काउंटिंग में पता चल जाएगा कौन सा इंसान जीत के आया है। बस 10 बार एक ही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट डेवलपर विजयपुरा, डेवलपर कर्नाटका, डेवलपर इंडिया, कास्टिज्म की बात रख यार साइड में, वी डोंट वांट कास्टिज्म एनीथिंग, जस्ट वी वांट टू यूनिटी, मतलब यूनिटी बना के रखो एक साथ, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो साथ में रहो। अब बन गया ये एक गेम बन गया है, बीजेपी वाले हिंदू, कांग्रेस वाले मुस्लिम, मतलब कैसे चल रही है, पहले नहीं, मतलब जितना मैं हिस्ट्री पढ़ा या जितना ये पढ़ा पहले से ये चलता आया है, मतलब पता नहीं किसने ये क्रिएट किया, वैसे नहीं रहता कुछ भी, अगर जो भी हो मैं बोलना चाहता हूँ, जस्ट मुस्लिम कैंडिडेट्स को सारे मुस्लिम मिलकर जिता के लाए ऐसे नहीं रहता, हिंदू कैंडिडेट को सारे हिंदू, थोड़े लोगों का योगदान उधर भी रहता, थोड़े लोगों का इधर भी रहता, हम लोग को समझना पड़ता है, ये नहीं चलता कि हाँ चलो ये इंसान पावरफुल है तो इसलिए सब सपोर्ट करें इसलिए मैं भी सपोर्ट करूंगा, ऐसे नहीं है। चलो मैं बीजेपी के, मेरे फ्रेंड्स लोग बीजेपी सपोर्ट करें या मेरे फ्रेंड्स लोग कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं भी अगर डेवलपमेंट्स के लिए सपोर्ट, डेवलपमेंट के लिए करो, किसी ना किसी को तो वोट देना था तो दे दिया मैंने, नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं था शायद, मैं चेक किया नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं था, रहता है हर बार, सॉरी मैंने नहीं देखा गाई गाई में, डाल दिया वोट, प्राउड लग रहा है वोट डाला मैंने, मार्क देखते रहूंगा अभी आगे 10-15 दिन तक की वोट किया मैंने। चलो दिस माय फोर्थ वोटिंग मे बी, अच्छा लगा बहुत से, सुबह उठ के वगैरह इंसान एक मतलब एक माहौल अलग सा बन गया है यहाँ पे, वोटिंग का है, हर जगह वोटिंग हो रही है, देख रहे हैं अभी नेक्स्ट काउंटिंग की क्यूरियोसिटी होगी, कौन जीतेगा होगी, जो भी जीते, कोई भी जीते या करे, जो बिलो पॉवर्टी जो ना पुअर लोग, उन लोग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करो, यूथ के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करो, स्टडीज के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करो, पानी पावर और ये जो भी ऐसे छोटी चीज, राशन, सॉरी मे बी ये तो मेन थिंग है। चलो ग्रेड में इंसान जो होता थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगा तो अपने आप को किधर से भी महंगाई को झेल लेके निकाल देता, अभी जो डेली वर्कर्स है, जो अभी मैं एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ डेली वर्कर्स है, जिन लोगों का धंधा मतलब काम धंधा डेली करेंगे तो उन लोगों का पेट चलेगा, वैसे लोगों को ये बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। आप चलो उन लोग पेट्रोल 1 रुपया बढ़ गया, हम लोग लगे अरे यार 1 रुपया चलो इधर उधर 10-15-50-100 रुपया खा के वेस्ट कर देते, 1 रुपये में क्या बड़ी बात है, वो 1 रुपया उन लोग के लिए बहुत मायने रखता है, तो ये बोलना चाहता हूँ। पेट्रोल वेट्रोल तो अपने ये अपने सिटी गवर्नमेंट हाथ में, इसके हाथ में नहीं है, वो वहाँ पे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से होते रहता, वो बात नहीं बताना चाहता हूँ मैं, ऐसे बात मेरी पहुँच जाएगी, मतलब ऐसे कि ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हर एक की प्रॉब्लम यही है कि हर एक पुअर्स की प्रॉब्लम यही है, देख चुका हूँ मैं एक एक छोटी छोटी, मतलब कुछ भी या कोई परचेस करते वक्त 2 रुपये बढ़ गया तो इंसान अपनी परचेसिंग छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ पे पता चलता है कि 2 रुपया कितना मायने रखते हैं उनकी ज़िंदगी में, तो आपका वोट, आपका एक वोट, हम लोग का एक वोट गवर्नमेंट के लिए कितना मायने रखता है, हाँ क्रोर्स ऑफ का एक वोट रहता ना,
उसके लिए इतना सब कुछ चल रहा है, घर जा रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, गाड़ी से उन लोग को बुला के ला रहे हैं। एक्चुअली मैं मुंबई में रहने वाला था इस टाइम पे, मेरे को लगा वोटिंग है, वोटिंग है, तो मेरे को लगा मैं अभी नहीं, अभी 2 दिन के बाद निकल जाऊंगा, वोटिंग है तो वोट करके निकल जाऊँ, वोट बहुत मायने रखता है। वोट मुंबई में रहने वाला था मेरे को, देखो मेरे को सीट्स वोटिंग के लिए मेरे को टिकट प्रोवाइड कर रहे थे, अरे यार हम लोग आपका टिकट निकाल देते हैं, आप आके वोट कर जाओ, हम लोग का अगर जर्नी का टिकट, हम आने का भी और रिटर्न का भी टिकट हम लोग बना देते हैं, आप आके वोट करके जाओ। देखो यार कितना वोटिंग मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है, एक आपके वोट में कैसे आप वोट करोगे वगैरह तो इंसान चुन के आएगा। पब्लिक ही अपने MLA को, MP को, PM को, CM को, सारे पब्लिक की वजह से आते हैं, तो प्लीज़ पब्लिक का भला करो जस्ट, नहीं कुछ भी अपना अपनी एक एक थिंग रहती है, एक एक वॉन्ट्स रहती है, एक एक ये रहती है, प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनके साथ बैठ के थोड़ा डिस्कस, कभी कभी ऐसे ये नहीं बोलता हूँ कि आप उन लोग को बैठ के हमेशा डेली, कभी कभी जाके वीकली छोटे छोटे से चौक में विजिट दो, अगर आप खुद होके विजिट दोगे जो रूलिंग पार्टी आएगी उन लोग को अच्छा लगेगा, यार खुद MLA आके अपना सुन के गया, सुन के जाके उन लोग को एक होप रहेगा कि हाँ कुछ करेंगे अभी ऐसे वैसे। ये अभी सेकंड थिंग कोई भी बैठ के अभी कोई भी PA को आके पहले मिलना, ये मेरे को बहुत ये लगता है यार, किसी को भी जाके कहाँ भी कोई भी इसमें प्रॉब्लम होएगा तो जाके पहले उन लोग के जो नीचे रहता वो इंसान जाके देखता है, फिर बाद में इनको प्रॉब्लम्स उन लोग के सामने नहीं बता सकते, अगर आप सामने से जाके उन लोग को पूछोगे ना तो पूरी पूरी प्रॉब्लम्स बोल देंगे, वो प्रॉब्लम्स को बाद में आप जज करके आप बोल सकते हो हाँ ये प्रॉब्लम है, ये डेवलप हो सकती है, ये सॉल्व हो सकती है या नहीं, इसके आप ऐसे एडजस्ट कर लो ये हो जाएगा, वो थिंग आपके ऊपर रहती है, आप ज़्यादा जानते हो हम लोग से। गवर्नमेंट वगैरह अभी चलो 4 डेज के बाद काउंटिंग है, लेट्स सी क्या होएगा, फिंगर क्रॉस्ड है। पता नहीं जो भी जीते, इतना ही कहना चाहता हूँ, डेवलपमेंट, एजुकेशन, फूड, वाटर, पावर, पावर मतलब करंट पावर सप्लाई, और मतलब ऐसे फूड क्लोथिंग वगैरह या बच्चे अभी जो पुअर्स है वगैरह उन लोग के लिए एक एक रूम बना दो, कोई भी एक एरिया पकड़ के ऐसे चौली डेवलप करो, जैसे डेवलप होते जाएगी सिटी डेवलप होगी, पर बाद में बाद बाहर जो टूर्स या टूरिस्ट हो गया नहीं लग रहे ये बीजापुर पीछे है या बीजापुर डेवलप नहीं है, देखो बीजापुर कितनी पीछे है, स्पेशल सिटी के नाम से बीजापुर को इतने पीछे नहीं रखना है, हम लोग के हाथ में नहीं है, आप लोग के वोट करके हम लोग आपको जितवा के लाते हैं तो डेवलपमेंट करना आपके हाथ में रहता है, तो प्लीज इतना ही कहना चाहूंगा, जो लोग जिन लोगों ने भी वोट नहीं किया प्लीज गो एंड वोट, आपका तो शायद इलेक्शन कमेटी का कुछ ना कुछ तो एक टोल फ्री कॉल वगैरह मतलब नंबर वगैरह होगा, या कोई आपके जो कॉलोनी में रहते हो वहाँ पे जाके इंक्वायरी करो, आपका नंबर कहाँ पे है, आपका ये वार्ड नंबर वगैरह किधर है वो आपको बता देंगे, तो प्लीज़ गो एंड वोट, आपका एक वोट बहुत मायने रखता है, तो घर पे बैठ के टाइम वेस्ट मत कीजिए या वोटिंग के लिए ऐसे नहीं वोट कहाँ से करूँ अभी क्या जाऊँ मैं घर पे रेस्ट कर रहा हूँ छुट्टी है स्पेशली, प्लीज़ 10 मिनट की बात है जाके वोट करके आइए, आपका एक वोट बहुत मायने रखता है, एक वोट से इंसान भी बन सकता है, मैटर करता है डिफरेंस का, जिसको पब्लिक जी के लाई पब्लिक चुन के लाई, तो प्लीज गो एंड वोट, होप फॉर द बेस्ट, जो भी हो जैसे भी हो मतलब डेवलपमेंट हो, जो भी चुन के आए कास्ट मेरे लिए मायने नहीं रखता, ये तो मैं क्लियरली बात बता रहा हूँ, नहीं मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं, डेवलपमेंट मायने रखता है मेरे लिए, जिसको वोट किया दैट्स अ सीक्रेट, जस्ट वोट किया डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते ना कौन सा इंसान क्या करेगा, हम लोग को जो इंसान अभी सही लगा हम लोग ने उसको वोट कर दिया, फ्यूचर वी कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, फ्यूचर में ये इंसान ही डेवलप करेगा बोल के पता रहता तो सब लोग जाके उसी को वोट कर देते, हाँ तो
तो प्लीज़ गो एंड नोट, शाम के 6 बजे तक का टाइम है अभी, अभी बज 12:30 1 बज रहा है शायद अभी, लाइक 12:45 भी। गो एंड नोट, वोट करना 6 बजे तक है, बाद में काउंटिंग के लिए वेट करना, काउंटिंग के बाद रिजल्ट पता चलेगा। रिजल्ट जो भी हो, जो भी बने, मैं बोलना चाहता हूँ जो भी हो रिस्पेक्टेड एमएलए, प्लीज़ 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 डेवलप विजयपुरा, डेवलप कर्नाटका। आप विजयपुरा डेवलप करो, कर्नाटक अपने आप आहिस्ता आहिस्ता कर्नाटक में विजयपुर का नाम बढ़ेगा, हिस्टोरिकल सिटी विल बी डेवलप्ड जस्ट बिकॉज आप करोगे। तो एमएलए के हाथ में बहुत कुछ होता है यार कि डेवलपमेंट्स के लिए वगैरह, जस्ट यूज़ दैट पावर टू डेवलप पीपल्स, मतलब पुअर पीपल्स, मतलब उनके फैसिलिटी प्रोवाइड करो। इससे फ्यूचर हो सकता है कि यू शुड बी एज एम। सो थैंक यू सो मच, अगर मेरी कुछ भी बात इसमें गलत लगी है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। नेक्स्ट देखता हूँ, अभी लाइव था वोटिंग के वक्त, मैं लाइव आना चाहता था पर दे अलाउ नहीं, मोबाइल लेके अंदर एंट्री करने के लिए अलाउ नहीं किया। चलो उन लोग की ड्यूटी होती है, कुछ बोल नहीं सकते, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। मैं जाके वहाँ पे लाइव आया, कोई बंदा फिर जाके लाइव जाने को जाएगा, नहीं नहीं वो अनिस ने लाइव आया था, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। बोल सकते हैं वो, कोई बात नहीं है। द पुलिस वेयर ड्यूटिंग, सॉरी माफ़ करना, फंबल हो रहा हूँ थोड़ा। पुलिस लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, जो भी आम जनता है जाके वोट करो, वोट करके उन लोग को भी थोड़ा सल्यूट करो। बीएसएफ वाले वहाँ पे है, पुलिस वाले वहाँ पे है, इतनी कड़ी धूप में बाहर पे बंदोबस्ती पे लगे हुए हैं। एंड स्पेशली माय डैड इज आल्सो देयर डूइंग इलेक्शन ड्यूटी धूप में रुक के। थैंक यू सो मच, एंड मैं सच्ची में ये हैट्स ऑफ है मेरे लिए पुलिस और बीएसएफ वालों के लिए। लास्ट 1 मंथ से देख रहा हूँ टोल नाका, सॉरी वो चेक नाके पे लग के सुबह से शाम तक, रात तक चेक नाके पे रहते हैं। वे देवर चेकिंग द व्हीकल्स वगैरह, कोई एक्सप्लोजिव चीज़ ना हो, कोई ऐसे इलीगल चीज़ ना हो जो इलेक्शन में बाधा लेके आए, ऐसी कुछ चीज़ें उन लोग के लिए। बीएसएफ और कॉप्स जो भी है, पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस बीएसएफ, सबको थैंक यू सो मच। इलेक्शन पीसफुली हो रहा है, वोटिंग पीसफुली हो रही है, वी वॉन्ट काउंटिंग शुड बी पीसफुल, काउंटिंग भी पीसफुल हो। इसके वजह से मतलब कैसे दैट थिंग आप बता सकते हो, आप सोच सकते हो कि वायलेंस नहीं चाहिए। हम ऐसे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर बीजेपी आया तो कांग्रेस वाले से वायलेंस होगा, कांग्रेस आया तो बीजेपी वालों से वायलेंस, ऐसे नहीं चाहिए यार। जो भी हो एक्सेप्ट दैट एज ए फेट, नहीं था आने का ये हुआ, अभी जो आया उसको 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 मतलब मोटिवेट करो कि डेवलप करे, ऐसे करो उससे ये करो, इसको मतलब प्लीज जस्ट क्लोज इट एज ए कास्टिज्म जो चल रहा है, प्लीज जस्ट स्टॉप इट। हाँ इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड डैड ड्यूटी करो धूम, इलेक्शन की ड्यूटी पे फोन पे बात किया, बहुत टाइर्ड हो गया बात है, नहीं ड्यूटी पे हूँ इलेक्शन पे हूँ, क्यों धूप कैसी लग रही है, मैं गाड़ी में एसी लगा के बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरे को उतना नहीं लग रहा है। उन लोग को पता चलता है धूप में रुक के ड्यूटी करने का क्या है, वो बीएसएफ, वो पुलिस कॉप्स, वो ऑफिसर, सब लोगों का एक दिन उनके साथ रुक के देखो यार कैसे लगता है। हा? 10 मिनट की धूप नहीं झेल पाया मैं, गाड़ी के विंडो क्लोज करके मैं एसी ऑन करके बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ, मगर आपको अभी जस्ट बोल रहा हूँ रिस्पेक्ट पुलिस, रिस्पेक्ट बीएसएफ। इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्या मैं सन ऑफ पुलिस ऑफिसर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग, जस्ट आई एम टेलिंग कि एज अ ह्यूमैनिटी, एज जो जो मैं देख रहा हूँ उससे मैं बता रहा हूँ। सो प्लीज़ 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 रिस्पेक्ट पुलिस ऑफिसर, रिस्पेक्ट यूर मॉम डैड, रिस्पेक्ट यूर एल्डर्स एंड रिस्पेक्ट यूर वोटिंग, गो एंड प्लीज वोट। थैंक यू सो मच, अगर कुछ गलती हुई, कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, एंड होप फॉर द बेस्ट, जो भी हो, आई वी वॉन्ट विजयपुरा टू बी डेवलप्ड। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।